अस्सलामुअलैकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया, मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, मेरे पीछे आप एक होटल देख रहे हैं, श्टाइगन बर्गा होफ है इसका नाम। बड़ा मशहूर फ्रैंकफर्ट के अंदर, टाउन के अंदर ये होटल है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होटल है। पर नाइट जो है वो 1000 यूरो है इसका। और इसके अंदर जो बूफे लगे हुए हैं, डिनर का बूफे और लंच का बूफे, वो 115 यूरो इसकी प्राइस है इन बूफों की। और ये टाउन का ये काफ़ी महंगा जो है वो होटल समझा जाता है। और अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये होटल है। मैं तो खैर इतना रिच आदमी नहीं हूँ कि मैं इसके अंदर जाके रह सकूँ एक पर नाइट भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमत बन जाती है इसकी। 2-2.5 लाख रुपया पर नाइट का जो है वो बनता है। तो मैं आया था, मैंने कहा चले आपको इसकी बाहर से वीडियो बना के दिखा दूँ, ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी बड़े कीमती इससे भी ज़्यादा कीमती हैं। लेकिन ये टाउन के अंदर है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ से आप पैदल भी जा सकती हैं, ट्रामे भी मिलती हैं, बसें भी मिलती हैं, तो बड़ा खूबसूरत भी है ये अंदर से होटल। और यहाँ पे जो टिप दी जाती है ना, वो कम से कम जो है वो 100 यूरो की टिप है। जो काम करने वाले हैं उनके लिए ये 100 यूरो टिप जो है वो बड़ी ठीक ठाक टिप जो है वो समझी जाती है। नॉर्मल एक वर्कर जो है वो यहाँ पे अगर काम करता है 8 घंटे, तो तकरीबन उसको भी पूरे दिन के 8 घंटे काम करने के भी 100 यूरो के करीब मिलते हैं। तो मैंने कहा चलें आपके साथ जो है इस होटल को भी शेयर किया जाए। जी सिद्दीकी साहब जी, आ जाएं खा लें, हमें तो बहुत भूख लगी हुई थी। तो मैंने एक माल साहब से कहा चलें पेट पूजा करते हैं, ये भी ज़रूरी है। कहने लगे वो सामने मैकडोनल्ड है, मैंने कहा चलें मैकडोनल्ड चलते हैं। तो फिर हम अपनी पेट पूजा पे हैं तो आ जाएं। इकबाल साहब ने काफ़ी सारा ले आए हैं, पता नहीं क्या क्या, विंग्स वगैरह, चिकन, ये बर्गर, तो आ जाए बिस्मिल्लाह करें। ये है जी हमारे समर का मौसम यहाँ का। समर में तो हम निकलते हैं, आपको लेके जाऊँगा भी दूसरी कंट्रीज़ का भी आपको मैं टूर करवाऊँगा। तो ये समर में ही हो सकता है, विंटर में तो बड़ा मुश्किल है। इधर स्नो फॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है, गाड़ी चलाना बड़ा प्रॉब्लम होती है। और जो रास्ता जो 1 घंटे का होता है स्नो फॉलिंग के अंदर, वो रास्ता जो है वो 5-6 घंटे के ऊपर जा पड़ता है। और खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो मोटरवे के ऊपर, तो फिर तो समझें कि गए। तो इसलिए विंटर टाइम जो है वो दूर जाना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये समर ही होता है, चंद छोटा सा समर होता है हमारा यहाँ का, तो जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है कि समर कब आया और कब गया। तो पिछले साल तो बिल्कुल हमारा, के काफ़ी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, काफ़ी व्लॉग में, कि हमारा समर आया ही नहीं लास्ट ईयर, मतलब एक दिन के लिए भी नहीं आया। तो पौधे भी ख़राब हुए, हमारी वेज भी ख़राब हुई, बड़ा कुछ ख़राब हुआ। तो अल्लाह ने किया इस दफ़ा जो मौसम है हमारा समर का, समर टाइम बड़ा अच्छा है। और इसलिए मैं भी निकला हूँ कि चलें कुछ आपको इधर उधर दूसरे टाउन के अंदर, दूसरे मुल्क के अंदर आपको कुछ दिखाया जाए। अच्छा सिद्दीकी साहब, आप अभी मुझे कह रहे थे कि आपने जाना ऑस्ट्रेलिया। जी जी, तो ऑस्ट्रेलिया का आपका कब का प्रोग्राम है? जी बस अनकरीब बनेगा जी, अनकरीब। आपने अगर साथ चलना है तो आप चलिए, तो प्रोग्राम बना लेते हैं जैसे आप कहेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं इकबाल जर्मनी टीवी वाले और यूरोप की दुनिया शाह साहब वाले हम बनाएंगे प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया जाने का। वहाँ से बड़े बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ हैं, पहाड़ हैं और बहुत कुछ है जो हम इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे आपको। हम दोनों चलेंगे इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। तो इसी के साथ जो है वो मरखल इजाज़त लेनी चाहिए,
तो अपनी दुआओं में याद रखिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। और जो नए आने वाले हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जो है वो लाजमी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।